देखिए भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण नाग धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना हमारा कहना मथुरा में अगर भगवान राम का भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। सर छतरपुर की घटना को लेकर इमरान प्रताप गढ़ी ने कमेंट्स किया है, इमरान प्रताप गढ़ी कानून का जो उल्लंघन करेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा, सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम। देखिए भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण नाग धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना हमारा कहना मथुरा में अगर भगवान राम का भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। सर छतरपुर की घटना को लेकर इमरान प्रताप गढ़ी ने कमेंट्स किया है, इमरान प्रताप गढ़ी कानून का जो उल्लंघन करेगा कानून अपना रास्ता बनाएगा, सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।